everyone, welcome to Magnet Dings, the only channel where you learn each and every subject of humanities stream. I am your sociology educator, Saloni Pandey, and we chapter number 4 that is introducing Western sociologist ठीक है चैप्टर में हमने इंट्रोडक्शन देखा द ऑफ कंटेक्सियोलॉजी हमने डिटेल में पढ़ा जहां पर हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन एनलाइटनमेंट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन कंप्लीट किया देन हमने कार्ल मार्क्स के आइडियाज को पढ़ा कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी को समझा डिटेल में ठीक है क्लास स्ट्रगल हमने बहुत अच्छे से समझ लिया बेस सुपर स्ट्रक्चर मॉडल एलिनेशन का कॉन्सेप्ट एंड इवन हमने कार्ल मार्क्स के बारे में भी जाना देन आपके नेक्स्ट थिंकर हैं इमाइल डर ठीक है सो आज के हमारे इस लेक्चर में हम इमाइल डरकीम को पढ़ने वाले हैं उनकी बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी एंड टाइमलाइन ऑफ इवेंट्स इन हिज लाइफ ये सारा कुछ हम डिटेल में आज के हमारे इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं ठीक है so, सो स्टार्ट कर सबसे पहले इमाइल डरकीम की आइडियोलॉजी क्या रही एंड साथ ही साथ में उनकी टाइमलाइन ठीक है इमाइल दरकीम के बारे में आप आपकी बुक वन दैट इज इंट्रोड्यूसिंग से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं बहुत बार आपने सुना है कि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके इमाइल दर्कीम का क्या व्यू पॉइंट था ठीक है इमाइल दर्कीम का क्या आइडिया था किसी किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को लेके पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को लेके ठीक है आप डिटेल में समझोगे इमाइल दरकीम को उससे पहले हम उनकी लाइफ के बारे में जानेंगे ठीक है सो देखो इमाइल डरिम वॉज बॉर्न ऑन फिफ्टी अप्रैल रीजन ऑफ फ्रांसिकली जो इमायल डरिम है उनका जन्म होता है फ्रांस में ठीक है कहाँ पर फ्रांस में एंड ही वॉज फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स जुइस फैमिली और वो कहाँ से बिलोंग करते थे ऑर्थोडॉक्स जुइस फैमिली से वो बिलोंग करते थे ठीक है ना हिस्स फादर एंड ग्रेट ग्रैंड फादर वर जुइश प्रीस्ट ऑर्थोडॉक्स ज्इस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं उनके जो फादर थे और उनके जो ग्रेट ग्रैंड फादर थे यानी कि उनके जो दादाजी थे वो भी जो है ज्इस प्रीस्ट रहे ठीक है और ये ऑर्थोडॉक्स ज्इस फैमिली से बिलोंग करते थे ज्इश क्या है एक रिलीजन है ठीक है एंड ऑर्थोडॉक्स फैमिली यानी कि जो रूढ़ीवादी विचारधाराएं रखती है एक ऐसी फैमिली से इमाइल डरकीम बिलोंग करते थे

सारा कुछ आपको एक थिंकर के बारे में मालूम होना चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है so, सो इसीलिए सारे पॉइंट्स को आप ध्यान से सुनिएगा और मेरे साथ-साथ में नोट डाउन भी करते चलिएगा ठीक है so, सो देखिए सबसे पहले इन 1876 1858 में वो होते हैं 1876 में ही एंटर्ड द इकोल नॉर्मल सुपीरियर इन पेरिस टू स्टडी फिलॉसफी फिलॉसफी पढ़ने के लिए 1876 में वो

उनका जो है डॉक्टरल डिसर्टेशन यानी एक निबंध होता है जो कि है डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी यानी कि ये उनके वर्क्स के ही अंदर में आएगा ठीक है सो इसे वो पब्लिश करते हैं कब करते हैं 1893 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपसे पक्का आपके एग्जाम में मतलब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में या किसी भी तरह से पूछा जाएगा तो आपको इसको भी नोट डाउन करना है कि उनकी ये वाली जो बुक है ये, ये, वाला जो ऐसे है, डिसर्टेशन है, ये कब पब्लिश हुआ तो था मान लीजिए आपसे ऐसा पूछा जाए कि इमाइल डीम की कौन सा जो है ऐसे है या डिसर्टेशन है जो एटीन में पब्लिश हुआ तो फिर आपको याद होना चाहिए हुआ था ठीक है ठीक है ये 1895 में पब्लिश होती है 1897 ही फाउंडेड एनी सोशियोलॉजी द फर्स्ट सोशल साइंस जर्नल इन फ्रांस एंड पब्लिशेस हिज फेमस स्टडी सुसाइड 1897 में सबसे पहले उन्होंने एनी सोशियोलॉजी जो कि सबसे पहला सोशल साइंस जर्नल रहा फ्रांस में इसे उन्होंने फाउंड किया और साथ ही साथ उनकी बहुत ही फेमस स्टडी सुसाइड ये उन्होंने पब्लिश करी ठीक है, so, एक founding, एक found किया उन्होंने और एक को उन्होंने पब्लिश किया क्या ये so, ये बहुत important है, है, भी आपको याद रखना ज्वाइन द यूनिवर्सिटी ऑफ पैरिस एज द चेयर ऑफ एजुकेशन लेटर इन नाइनटीन 1913 द चेयर was रीनेम्ड एजुकेशन एंड sociology.

he died at the the age of of 59, heartbroken by the death of his son Andrew, in World War World War War उनके बेटे की डेथ हो जाती है जिसकी वजह से उन्हें इतना ज्यादा बुरा लगता है कि उनकी भी डेथ हो जाती है at the age of 59, यानी कि उनकी डेथ हो जाती है और ये जो हम लिखते हैं 1858 से 1917 या किसी भी थिंकर में आपने ये एक चीज देखी होगी ये उनका टाइम पीरियड होता है कि 1858 में उनका जन्म हुआ और 1917 में उनकी डेथ हुई इस टाइम पीरियड के बीच में उनके सारे इवेंट्स जो भी लाइफ इवेंट्स रहे उन सभी को हम इसके अंदर स्टडी करते हैं क्लियर है सो so, इमाइल डरकीम के बारे में सबसे पहली चीज तो आपको समझ में आया कि इमाइल डरकीम कौन थे कहां से बिलोंग करते थे उनका कब जन्म हुआ साथ ही साथ उनकी लाइफ के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमने यहां पर डिस्कस किए एंड इसमें से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनके अपने ठीक है सो उनके उनके जो है, वो आपको ईयर के 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 साथ में एक तरफ लिख के, मतलब बना के रख लेना है ताकि जब भी आप हिमाल डे वर्क पढ़ने बैठे तो ऐसा ना हो कि आपको पूरी बुक में से जो है देखना पड़े कि हाँ इस लाइन में उनका ये वाला वर्क लिखा हुआ है फिर इस लाइन में ये वाला आप उसको नोट्स के फॉर्म में बना के रख लीजिए तो आपको कभी भी पढ़ना होगा तो जस्ट आपने अगर एक बार ऐसे रीड करोगे तो आपको सारी चीजें रिकॉल हो जाएगी जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर उनके जो भी वर्क्स दिए गए हैं तो हमने देखा कि सबसे पहले जो है उनका कौन सा वर्क पब्लिश होता है 1893 में डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी 1893 में कौन सा हुआ डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी ये मैं आपको बता रही हूँ कि आपको किस तरह से इन्हें लिख के रखना है डिटेल में तो हमने समझ लिया कि पब्लिश हुआ ये हुआ लेकिन मेनली उनके वर्क्स कौन कौन से रहे और उनका पब्लिशिंग ईयर क्या था वो आपको ध्यान में रखना है ठीक है फिर इसके बाद में 1895 रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड ये जो उनके वर्क्स होते हैं जो उनकी बुक्स होती है उसमें वो अपने आइडियाज़ को नोट डाउन करके रखते हैं ठीक है Then, कौन सा ईयर था 1897 एनी आइडियालॉजिक एंड सुसाइड 1897 नाइनटी सेवन सो मेनली अगर वर्क्स की बात करें तो इसके अंदर हम सुसाइड लिखेंगे एंड साथ ही साथ उन्होंने क्या फाउंड किया so, आप में लिख लो दैट इज एनी सोशोलॉजी ठीक है फिर इसके बाद में हमने देखा कि नाइनटीन नॉट में वो तो यूनिवर्सिटी वाला था 1912 में द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ 1912 ट्वेल्व द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ अब इस तरह से आप भी जो है नोट करके रख सकते हैं मेनली जो है वन टू थ्री फोर फोर उनके वर्क्स रहे और एक जो जिसे उन्होंने फाउंड किया दैट इज एनी सो ये ईयर के साथ में आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हैं अब जैसे मान लीजिए ये ऐसे आपके सामने लिखा हुआ रखा है तो कभी भी आपको रीड करना है कभी भी आपको पढ़ना है तो आपने तुरंत देखा कि अच्छा सुसाइड जो है वो 1897 में पब्लिश हुई थी आपको ध्यान में आ जाएगा लेकिन अब अगर आपको ये चीजें सर्च करनी पड़े आपके बुक के टेक्स्ट के अंदर से तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है सो इसीलिए नोट्स बना के रखिए उनका बर्थ ईयर उनकी डेथ ईयर ये सारी चीजें नोट डाउन करके रख अब हम देखते हैं उनकी बेसिक इडियोलॉजी क्या थी सो so, देखो एमिल डर्केम मे बी कंसीडर्ड एज द फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी एज अ फॉर्मल डिसिप्लिन एज ही वाज द फर्स्ट टू बिकम अ प्रोफेसर ऑफ सोशियोलॉजी इन पेरिस इन 1913 एमिल डर्केम को हम फाउंडर ऑफ सोशियोलॉजी की तरह कंसिडर करते हैं

Now born into an orthodox Jewish family, Derkim was sent to rabbinical school, a Jewish religious school for his early education. अब क्योंकि ये orthodox Jewish family से belong करते थे, so उनकी family क्या करती है? उनको rabbinical school में डाल देती है. Rabbinical school जो कि एक Jewish religious school है, उनकी early education के लिए, ठीक है? उनकी जो अर्ली एजुकेशन रहती है उसके लिए रेबेनिकल स्कूल में डाल देते हैं रेबेनिकल स्कूल क्या है एक जुइश रिलीजियस स्कूल है अब मान लीजिए कभी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि रेबेनिकल स्कूल क्या है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो है एक जुइश रिलीजियस स्कूल है ठीक है क्योंकि उनकी फैमिली ये जाती थी ऑलरेडी वो जो है ऑर्थोडॉक्स फैमिली थी और वहाँ पर जो उनके पेरेंट्स मतलब जो उनके फादर थे उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे वो भी जो है प्रीस्ट ही रहे हैं जुइश प्रीस्ट रहे हैं तो वो ये भी चाहते थे कि इमाई डरकीम जो हो उनका भी पूरा जो है मतलब जुइश रिलीजन की तरफ पूरा उनका भी जो है इन्फ्लुएंस रहे और बहुत ज़्यादा प्रभाव रहे इस तरह से वो चाहते थे तो इसीलिए वो उनको रेबनिकल स्कूल में डाल देते हैं बाय द टाइम ही एंटर द इकॉल नॉर्मल सुपीरियर इन एटीन ही ब्रोक विथ हिज रिलीजियस ओरिएंटेशन एंड डिक्लेयर हिमसेल्फ एन एग्नोस्टिक अब जब उन्हें इकॉल नॉर्मल सुपीरियर में डाला जाता है मतलब जब 1876 में वो इकॉल नॉर्मल सुपीरियर में आते हैं जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा कि ये एक यूनिवर्सिटी थी तो उनके जो रिलीजियस ओरिएंटेशन थी वो उसको खत्म करते हैं ठीक है देखो जुश फैमिली से बिलोंग किया फिर उनको उसी स्कूल में डाल दिया ताकि वो और ज्यादा अपने रिलीजन से करीब आ जाए लेकिन जब वो यहां इस यूनिवर्सिटी में एंटर होते हैं 1876 में जो भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा तो अपने रिलीजन को लेके जो एक उनकी ओरिएंटेशन थी वो उसको तोड़ देते हैं उसके साथ में मतलब उनका ब्रेकडाउन हो जाता है इसलिए होता है कि और फिर वो अपने आप को जो है एग्नोस्टिक डिक्लेयर कर देते हैं क्या डिक्लेयर कर देते हैं एग्नोस्टिक अब देखो एक होता है हमारा थीस्ट एक होता है एथिस्ट, थीस्ट यानी वो पर्सन जिसे भगवान में बिलीव है गॉड में बिलीव करता है एथिस्ट जो गॉड में बिलीव नहीं करता तीसरी तरफ है एग्नोस्टिक एग्नोस्टिक वो पर्सन जो ये कहता है क्योंकि जो जुइ रिलीजन है वो सबसे ज्यादा इस चीज में बिलीव करते हैं कि जो गॉड है वो है और हम सारी चीजें उन्हीं के लिए कर रहे हैं वो सुप्रीम पावर है इस तरह से जो है जुइ रिलीजन के अपने बिलीव हैं और उस बिलीव को तो

फैमिली ही आपके अंदर आइडियाज़ को जो है इनकलकेट करती है जैसे ऐसा माना जाता है ना कि आपकी जो मदर होती है वो आपकी फर्स्ट टीचर होती है और उसके बाद में जो आपकी फैमिली है जहां पर आप अपने पेरेंट्स हैं आपके सिबलिंग्स हैं आपके ग्रेट जो है ग्रैंड फादर्स हैं ग्रैंड मदर्स हैं उनके साथ में आप रहते हैं और ये सभी आपके आइडियाज को डेवलप करते हैं कि आपका क्या थाट प्रोसेस होगा किस तरह की थिंकिंग आपको रखनी है क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है ये सब कुछ हमको हमारी फैमिली से ही सीखने को मिलता है सो स्टार्टिंग से ही जो माइल डर के रहे उनकी फैमिली की वजह से उनके अंदर जो है रिलीजन को लेके जितनी भी सारे आइडियाज फिलअप किए गए थे वो उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग ही वर्क कर रहे थे लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर खुद से मेच्योरिटी आती है उनके अपने आइडियाज जैसे जैसे डेवलप होते हैं स्पेशली इस यूनिवर्सिटी के अंदर जब वो एंटर करते हैं तो वो अपनी इस रिलीजियस ओरिएंटेशन के साथ में ब्रेकडाउन करते हैं एंड वो अपने आप को एग्नोस्टिक जो है डिक्लेयर कर देते हैं हाव एवर हिज मॉरल अपब्रिंगिंग हैड एन एंड्योरिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिज सोशियोलॉजिकल थिंकिंग लेकिन जो उनकी मॉरल अपब्रिंगिंग होती है जैसे घर में वो जिस तरह से पले बड़े होते हैं तो उनके घर में बहुत ज़्यादा नैतिक मूल्यों को जो है बढ़ावा दिया जाता है कि मॉरल क्या चीज़ें हैं सही गलत तो अपनी जगह ठीक है लेकिन मॉरल क्या है नैतिकता क्या कहती है कि हमें क्या चीजें करनी चाहिए क्या चीजें हमें नहीं करनी चाहिए इन सारी चीजों के थ्रू ही उनकी अपब्रिंगिंग होती है ठीक है यानी कि मॉरलिटी एक जो फीचर है वो उनके अंदर बहुत ज्यादा होता है और इस मॉरल अपब्रिंगिंग की वजह से ही सोशोलॉजिकल थिंकिंग बहुत ज्यादा उनके अंदर होती है यानी कि सोसाइटी को लेके वो बहुत ज्यादा जो है सोच विचार करते हैं कि हमें इस सोसाइटी के अंदर किस तरह से रहना है यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है हमें उन्हें किस तरह से खत्म करना है एक सोसाइटी को कैसा होना चाहिए यानी सोसाइटी को लेके वो बहुत ज्यादा जो है मतलब सोच विचार करते थे थॉट प्रोसेस उनका डेवलप बहुत ज्यादा था सोसाइटी को लेकर अब अगर हम इन थिकर्स को देखें स्पेशली जैसे हम इमायल डरकीम पढ़ रहे हैं मार्क्स हमने पढ़ा ये सभी सोशियोलॉजिस्ट हैं आप इनकी स्टडीज देखेंगे तो ये फिलोसॉफी पढ़े हुए हैं इमाइल डरकीम ने भी फिलासॉफी पढ़ी कार्ल मार्क्स ने भी फिलासॉफी पढ़ी लेकिन वो एक सोशल थिंकर है इमाइल डरकीम ने भी फिलासॉफी पढ़ी लेकिन वो एक सोशलॉजिकल थिंकर है तो इसी तरह से ये सोसाइटी के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है यानी सोसाइटी के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं नेक्स्ट द मॉरल कोड्स वर द की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोसाइटी दैट द डिटर पैटर्न्स ऑफ इंडिविजुअल्स अब के बेसिक आइडियाज को हम समझें तो वो ये कहते हैं कि जो मॉरल कोड्स होते हैं वो एक सोसाइटी को कैरेक्टराइज करते हैं ठीक है और ये मॉरल कोड्स से ही सोसाइटी में इंडिविजुअल्स का बिहेवियर किस तरह से है हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं ठीक है क्या कह रहे हैं आया आपको समझ में देखो वो ये कह रहे हैं कि जो मॉरल कोड्स होते हैं ठीक है जो मॉरल कोड्स होते हैं वो एक सोसाइटी को कैरेक्टराइज करते हैं ठीक है वो सोसाइटी को कैरेक्टराइज करते हैं यानी एक समाज की विशेषताएं बताते हैं और ये सारी चीजें मिलके एक सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं उनका बिहेवियर पैटर्न कैसा है इसे बताते हैं इंडिविजुअल के बिहेवियरल पैटर्न को बताते हैं ऐसा कौन कह रहे हैं ऐसा है और ये सारी चीजें फॉर एग्जांपल ये आपका एक फ्रेंड है इसका नाम है आनंद ठीक है ये जो आपका फ्रेंड है इसके अंदर बहुत सारी मॉरालिटी है यानी कि ये बहुत ही मॉरल पर्सन है सारी चीजों को बहुत अच्छे से सोच समझ के काम करता है ठीक है सारी चीजों को सोच समझ के काम करता है कि मुझे जो है क्या चीज करनी है क्या चीज सही है क्या चीज गलत है मुझे इस समय पढ़ना है मुझे ऐसे रहना है तो इसके अंदर बहुत मतलब इसके जो है मॉरल कोड्स इसके अंदर बिल्कुल ऐसे कूट कूट के भरे हुए हैं ठीक है थीके? अब ये मॉरलिटी एक कहावत है हमारी सोसाइटी में कही जाती है कि आप किस तरह से बिहेव करते हो आप किस तरह से बोलते हो किस तरह से बात करते हो आपका बिहेवियर आपकी फैमिली को दर्शाता है ठीक है कि आप कैसे रह रहे हो वो आपकी फैमिली को बताता है कि आप कैसी फैमिली से बिलोंग करते हो तो इस तरह से इसका जो बिहेवियर है इस इंडिविजुअल की मोरालिटी इसका जो बिहेवियर है वो इसकी फैमिली को बताता है क्योंकि ये अपनी फैमिली में ही रह रहा है जैसे इसकी फैमिली होगी वैसे आइडियाज इसके अंदर हमें देखने को मिलेंगे है ना ये एक चीज होती है वैसे ही सेम एक इंडिविजुअल कैसा बिहेव करता है ठीक है एक इंडिविजुअल कैसा बिहेव करता है वो उस सोसाइटी को दर्शाता है क्योंकि ये इंडिविजुअल इस सोसाइटी का ही पार्ट है ठीक है और इसीलिए जो मॉरल कोड्स होते हैं वो एक सोसाइटी की विशेषताएं बताते हैं ठीक है उस सोसाइटी के अंदर कितनी मोरालिटी है जैसे फॉर एग्जाम्पल हम किसी कंट्री की बात करें हम किसी सोसाइटी की बात करें इंडियन सोसाइटी की बात करें यहाँ के पीपल किस तरह के हैं उनका बिहेवियर कैसा है उनके अंदर मॉरल इफेक्ट है या नहीं है ये इंडियन सोसाइटी को बताता है तो इस तरह से हिमाइल डरकी ने इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है कि जो मॉरल कोड्स हैं दो की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सोसाइटी एंड दैट डिटरमाइन द इंडिविजुअल्स बिहेवियरल पैटर्न क्लियर है आया समझ में देन कमिंग फ्रॉम अ रिलीजियस फैमिली डरकिम चैरिस्ड द आइडिया ऑफ डेवलपिंग अ सेक्यूलर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिलीजन अब इन सारी चीजों को समझने से पहले एक चीज जो आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए और पता होगी भी वो ये कि इमाइल डरकिम जो है वो सबसे ज्यादा फोकस करते हैं सोसाइटी के ऊपर ना कि इंडिविजुअल के ऊपर ठीक है वो किस पर फोकस कर रहे हैं सोसाइटी पर कि एक सोसाइटी कैसी होनी चाहिए एक आदर्श सोसाइटी कैसी होनी चाहिए अगर आप सोसाइटी को लंबे समय तक सस्टेन करवाना चाहते हो तो वो सोसाइटी कैसे वो लंबे समय तक सस्टेन करेगी उसके लिए सोसाइटी के अंदर क्या चीजें होनी चाहिए इन चीजों पर वो बहुत फोकस करते हैं और एक आइडियल फॉर्म ऑफ सोसाइटी वो बनाना चाहते हैं

उन्होंने रिलीजन को गिव अप नहीं किया था वो जस्ट एग्नोस्टिक हो गए थे ठीक है उन्होंने कभी भी वो रिलीजन रिलीजियस फैमिली से बिलोंग करते थे रिलीजन को उन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया उन्होंने कभी भी ये नहीं माना कि रिलीजन जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है जस्ट उन्होंने ये कहा वो जो है मतलब टाइम के साथ में एग्नोस्टिक हो जाते हैं जितना ज्यादा उनकी फैमिली ऑर्थोडॉक्स थी वो उतना ज्यादा ऑर्थोडॉक्स नहीं होते क्योंकि उनका एक जो मतलब नज़रिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के ऊपर है ठीक है वो सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो क्योंकि एक रिलीजियस फैमिली से आते हैं तो डरकीम इस एक चीज को इंश्योर करना चाहते हैं कि सोसाइटी में रिलीजन को लेके सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग हो क्या हो रिलीजन को लेके सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि हम सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करें क्या करें सभी रिलीजन्स को जो है इक्वली ट्रीट करें और साथ ही साथ में सभी रिलीजन्स को रिस्पेक्ट करें हमें किसी भी रिलीजन को सुपीरियर या इंफीरियर नहीं मानना चाहिए जैसे इंडियन सोसाइटी है यहाँ हमने सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट अडॉप्ट किया गया है ठीक है कहाँ से हमने कॉन्स्टिट्यूशन में ही सेक्युलरिज्म को अडॉप्ट किया गया है तो इस तरह से हमारे यहाँ पर जितने भी हैं अब जैसे हमारे यहाँ हिंदू भी है मुस्लिम भी है क्रिश्चियन बुद्धिज्म जैनिज्म इस तरह से ढेर सारे रिलीजन हैं हमारे यहाँ इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं और इसके साथ में हम सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट करते हैं माइनॉरिटी रिलीजन भी हमारे यहाँ माइनॉरिटी रिलीजन भी है हमारे यहाँ पर लेकिन ऐसा नहीं है कि क्योंकि कोई रिलीजन माइनॉरिटी का है तो हम उसको इन्फीरियर ट्रीट करेंगे कोई रिलीजन मेजोरिटी का है तो हम उसको तो सुपीरियर ट्रीट करेंगे नहीं सभी हमारे लिए इक्वल है जो भी प्लान होंगे जो भी पॉलिसीज होंगी वो सभी के लिए इक्वल होने वाली हम सभी रिलीजन्स की रिस्पेक्ट करने वाले हैं तो एक इस तरह का जो है मतलब उनका आइडिया था कि सोसाइटी के अंदर रिलीजन को लेकर सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऐसा ना हो कि हमारा रिलीजन ही सुप्रीम है बाकी सबका अच्छा नहीं है वो चाहते थे कि रिलीजन का सेक्युलर आस्पेक्ट सोसाइटी के अंदर होना चाहिए इट वॉज इन हिज लास्ट बुक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ दैट ही वॉज फाइनली एबल टू फुलफिल दिस विश और अपनी जो लास्ट बुक थी उनकी द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ जो हमने देखा भी कि उनकी लास्ट बुक रही उसमें उन्होंने अपने इस विश को फुलफिल कर लिया था उ, उस बुक के अंदर उन्होंने अपने इन आइडियाज को जो है इनकलकेट किया एंड सोसाइटी वॉज फॉर डरमा सोशल फैक्ट विच एग्जिस्टेड एज अ मॉरल कम्युनिटी ओवर एंड अबव द इंडिविजुअल और इस तरह से जो सोसाइटी है वो डरकीम के लिए एक सोशल फैक्ट है सोसाइटी क्या है के लिए एक सोशल फैक्ट है सोसाइटी वॉज अ सोशल फैक्ट दिस इज फॉर डरकीम अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सोसाइटी जो है वो एक सोशल फैक्ट है क्यों कह रहे हैं क्या क्या रीजन है अ मॉरल कम्युनिटी ओवर एंड अब इंडिविजुअल इंडिविजुअल से कहीं ज्यादा बढ़कर होती है एक सोसाइटी ठीक है हमको सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल पर फोकस नहीं करना है हमें पूरी सोसाइटी पर फोकस करना है ये बेसिक आइडिया है किसका इमाइल डरकीम का कि इंडिविजुअल से सुपीरियर है सोसाइटी ठीक है इंडिविजुअल से ओवर एंड अबव है सोसाइटी उंड पीपल एंड ग्रुप्स टू द एग्जिस्टेंस ऑफ सोसाइटी अब यहाँ से हम अच्छे से समझते हैं कि वो क्या कह रहे हैं तो देखो इस स्टार्टिंग से ही चैप्टर वन से एक चीज हमने पढ़ी कि जो सोसाइटी है वो ह्यूमन्स से मिल के बनी है ठीक है इस सोसाइटी में कौन रहता है इस सोसाइटी में ह्यूमन बींग्स रहते हैं और ये जो ह्यूमन बींग्स है इनके बीच में रिलेशनशिप्स हैं ठीक है ठीके? इन ह्यूमन बींग्स के बीच में रिलेशनशिप है इसीलिए ये सभी आपस में एक दूसरे के साथ में रहते हैं और इसीलिए सोसाइटी जो है एग्जिस्ट करती है जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सोसाइटी है ठीक है इसमें ये सारे ह्यूमन बींग्स रहते हैं ये सब ह्यूमन्स हैं ठीक है अब ये जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं ये सभी आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं इन सभी के बीच में जो है रिलेशनशिप है और रिलेशनशिप है इसीलिए ये आपस में रहते हैं और आपस में क्योंकि ये रह रहे हैं इसीलिए एक सोसाइटी बनी हुई है अब जस्ट सपोज ये जितने भी इंडिविजुअल्स हैं ठीक है इनके बीच में अब किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है ठीक है ये सभी जो है अकेले अकेले रहते हैं इनके बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है और ये अपना सस्टेनेंस जो है अपने खुद के हिसाब से जैसे इन्हें करना है वैसे करना है तो आप कौन से समय में पहुंच जाते हो आप पहुंच जाते हो जब सिविलाइजेशन स्टार्ट नहीं हुआ था जब हम सब आपस में नहीं आए थे हम सब अपने अपने लेवल पर अपनी लाइफ जो है जी रहे थे ठीक है अपना गुजर बसर कहते हैं ना कि हम वो कर रहे थे हम किसी से भी कोई कनेक्टेड नहीं थे हमारा किसी के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं था जब कोई रिलेशनशिप ही नहीं हुआ तो कोई सोसाइटी ही नहीं हुई कोई रिलेशनशिप नहीं है यानी कोई सोसाइटी फॉर्म नहीं हुई है इंडिविजुअल लेवल पर सब अपने अपने लेवल पर अपना काम कर रहे हैं लेकिन हमने देखा कि कोई भी पर्सन आइसोलेशन में लंबे समय तक नहीं रह सकता ठीक है कोई भी पर्सन जो है वो आइसोलेशन में लंबे समय तक नहीं रह सकता एक समय के बाद में उसको अकेलापन महसूस होने लगेगा और इसीलिए इन्हीं सारे की वजह से से जो जो ह्यूमन हैं 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 वो वो आपस में साथ में साथ आते रिलेशनशिप करते और इस तरह एक सोसाइटी है है फॉर्म होती अगर ह्यूमंस के बीच में रिलेशनशिप नहीं होगी किसी तरह का कोई टाइज नहीं होंगे कोई बंधन नहीं होंगे तो कोई सोसाइटी भी नहीं होगी तो मतलब वो होता है ना कि ये बंधन तो प्यार का बंधन है और इस तरह से ये सभी जो है आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है रिलेशनशिप है इसीलिए सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है अगर नहीं होती तो सोसाइटी भी एग्जिस्ट नहीं करती इनके बीच में ऐसा मतलब प्रेम नहीं होता तो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती तो इस चीज पर इमाइल डरकिम जो है वो बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं अब देखो टाइज पीपल इन ग्रुपाइटी हुए हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसी की वजह से सोसाइटी एग्जिस्ट कर रही है और इंडिविजुअल जो है वो सोसाइटी में उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये टाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या कहा उन्होंने की सोसाइटी इज अ सोशल फैक्ट विच ज अ मॉरल कम्युनिटी ये क्या है एक मॉरल कम्युनिटी एक नैतिक समुदाय है जहां पर सभी आपस में साथ में आए हैं ठीक है ठीके? अगर इंडिविजुअल होते तो सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है ये सेकेंड आइडिया था इमाइल तरकीन का ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है पहला हमने क्या एक चीज देखी कि जो मॉरलिटी है वो आपके बिहेवियर को बताती है वो सोसाइटी को कैरेक्टराइज करती है एक सोसाइटी के रिलीजन और एक सोसाइटी में टाइज है, है ना कि इंडिविजुअल इंडिविजुअल भी इंपॉर्टेंट है लेकिन इंडिविजुअल से बड़ के सोसाइटी अगर आपको इंडिविजुअल जैसे मान लीजिए कहीं एक तरफ ये पूरी सोसाइटी है किसी डिसीजन को लेकर और ये सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल है तो हमें सोसाइटी के बारे में सोचना है ना कि एक इंडिविजुअल के बारे में क्योंकि ये तो सिर्फ एक एक ही पर्सन है सोसाइटी के अंदर एक से ज्यादा लोग हैं यूनिटी कहां आ रही है सोसाइटी के पास में ठीक है ये कौन कह रहे हैं करेंकीन क्लियर है देन दी टाइज और सोशल सॉलिडारिटीज एक्सर्टेड प्रेशर ऑन द इंडिविजुअल टू कंफर्म द नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द ग्रुप अब ये जो सारे टाइज हैं ठीक है ये जो सब आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं ये जो पूरी रिलेशनशिप्स हैं ये जो सोशल सॉलिडेरिटीज हैं ये सभी एक इंडिविजुअल को सोसाइटी के नॉर्म्स और उसकी एक्सपेक्टेशंस को जो है पूरा करने में प्रेशर बनाते हैं ठीक है क्या करते हैं जैसे मैंने आपसे कहा कि ये सभी इंडिविजुअल्स हैं ये सभी आपस में एक दूसरे से जो है बंधे हुए हैं ठीक है ये एक सोसाइटी है ये सारे इंडिविजुअल्स हैं सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं अब क्योंकि ये सभी इस सोसाइटी का पार्ट है तो सोसाइटी के जो भी नॉर्म्स होंगे सोसाइटी के जो भी एक्सपेक्टेशंस होंगी सोसाइटी के जो भी रूल्स होंगे सोसाइटी के जो भी इंस्टीट्यूशन होंगे उन सभी को इन सभी इंडिविजुअल्स को फॉलो करना है क्योंकि ये इस सोसाइटी का पार्ट है अगर ये इंडिविजुअली अकेले रह रहे होते तो शायद इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं बनाता लेकिन क्योंकि ये इस सोसाइटी के पार्ट है और ये सभी सोसाइटी के कुछ इंस्टीट्यूशन के थ्रू गवर्न होते हैं ठीक है थीके? सोशल इंस्टीट्यूशन है ना आपने ये जो है इन इंस्टीट्यूशंस के थ्रू गवर्न होते हैं सोसाइटी का अपना एक स्ट्रक्चर होता है जो जो इन सारी चीजों को है 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 बनाए रखता ठीक अब आपने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े हुए हैं मैं जस्ट यहाँ पर आपको नेम लिखूंगी और आपको शायद जो है रिकॉल होते चले जाएंगे नहीं भी होंगे तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी ठीक है, पड़ा है. आपने सोशल रोल्स पढ़ा है पढ़ा है देन आपने सोशल कंट्रोल पढ़ा आपने जो है रोल स्टीरियो भी पढ़ा है ठीक है ये भी आपने पढ़ा है आपने आइडेंटिटी भी पढ़ा है ठीक है आइडेंटिटी रोल स्टीरियोटाइपिंग सोशल कंट्रोल ये सब आपने पढ़ा और आपने पढ़ा सोशल चेंज एंड सोशल ऑर्डर अब बताइए क्या आपने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी है इलेवेंथ बुक वन से ही हम ये पढ़ते हुए आ रहे हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस जैसे फैमिली हो गया कास्ट हो गया रिलीजन हो गया ये हमने पढ़ा ये सभी हमें जो है बताते हैं कि हमें सोसाइटी में किस तरह से ऑपरेट होना है सोशल रोल्स सोसाइटी में हम सभी के रोल्स हैं हमें क्या रोल करना है जैसे मदर का रोल है फादर का रोल है पेरेंट्स का रोल है और इसके साथ में भाई बहन हो आपके जो है रिलेटिव है, सभी के अपने अपने रोल्स डिफाइंड हैं ठीक है थीके? कि आपको क्या काम करना है एक वर्कर है कोई लेबर है कोई पॉलिटिशियन है गवर्नमेंट है सबके रोल्स जो है डिफाइंड है सोसाइटी के अंदर सोशल कंट्रोल जब आप कभी भी सोसाइटी के नॉर्म्स सोसाइटी के रूल्स सोसाइटी के इंस्टीट्यूशंस इन सभी को ना मानते हुए सोसाइटी से डेविएट होते हो डेविएशन पड़ा है ना सोसाइटी से डेविएट होते हो तो सोसाइटी आपको कंट्रोल करती है क्या करती है सोसाइटी आपको कंट्रोल करती है रोल स्टीरियोटाइपिंग जहां हमने देखा कि जैसे एक एग्जांपल देखा था मेन और वुमेन को लेकर रोल्स जो है डिफाइन किए गए हैं कि वुमेन जो है वो डोमेस्टिक कोर्स में ही होना चाहिए इसके बाद में जो मेन है वो बाहर जाएंगे काम करेंगे कमा के लाएंगे है ना इस तरह से हमने रोल स्टीरियोटाइपिंग भी पढ़ा इन के अलावा एक और चीज़ हमने देखी कि जो सोसाइटी होती है सोसाइटी के अंदर चेंज भी होता है सोसाइटी के अंदर ऑर्डर भी होता है एक सोसाइटी जो है वो इन सारी चीजों के थ्रू रन होती है सोसाइटी में ये सब कुछ बहुत जरूरी है अगर ये नहीं होंगे तो एक सोसाइटी सस्टेन नहीं कर पाएगी सोसाइटी में अगर चेंज नहीं होगा तो भी सोसाइटी सस्टेन नहीं करेगी सोसाइटी में अगर ऑर्डर नहीं होगा तो एक सोसाइटी जो है लंबे समय तक सस्टेन नहीं कर पाएगी यानी सोसाइटी को लंबे समय तक आप अगर आपको चलाना है तो वहां पर इन सारी चीजों का होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है अब क्योंकि जैसे ये जो ई पर्सन है आप सभी सोसाइटी के पार्ट हो तो आप सभी को सोसाइटी के साथ में चलना है अगर आप कहीं भी सोसाइटी के अगेंस्ट जाते हो जैसे ई है उसको नहीं मानना सोसाइटी के बाद वो बोलते नहीं मैं तो अपने हिसाब से सारी चीजों को करूंगा तो सोसाइटी जो है वो पूरी मतलब ऐसे पूरा जोर लगा के आपको दोबारा सोसाइटी के हिसाब का ही बना देती है ठीक है यानी सोसाइटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अब अगर आप ये कहें कि सोसाइटी जो है वो हमारे ऊपर अनकंडीशनल कंट्रोल कर रही है हमें नहीं चाहिए हम नहीं चाहते कि सोसाइटी हमारे ऊपर कंट्रोल करे हमें जैसे जीना है हम वैसे जिएंगे सोसाइटी हमारी फ्रीडम को छीन रही है कल्चर एंड सोशलाइजेशन चैप्टर फोर जो आपने पढ़ा वहां आपने आइडेंटिटी को पढ़ा है ना पढ़ा है ना ये कॉन्सेप्ट हमने कि सोसाइटी जो है वो हमें हमारी आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करती है सोसाइटी में कल्चर होता है और कल्चर हमें हमारी आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है अगर ये सोसाइटी ना हो तो कल्चर भी नहीं होगा कल्चर नहीं होगा तो हमारी अपनी आइडेंटिटी भी नहीं होगी तो ये जो सोसाइटी है ये हमें आइडेंटिटी भी प्रोवाइड करती है ये हमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करती है क्वेश्चन आया था जब हमने चैप्टर फोर पढ़ा था कि क्या सोसाइटी हमारी फ्रीडम को हमसे छीन रही है क्या सोसाइटी हमारे लिए सही नहीं है तो इसका आंसर था कि नहीं सोसाइटी आपके लिए ही जरूरी है सोसाइटी अगर आपके ऊपर कंट्रोल कर रही है सोसाइटी अगर आपको गाइड कर रही है तो वह आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है जैसा पोज सोसाइटी ना हो ये जो ई है ये मतलब सिर्फ ऐसा सिंगल पर्सन है ठीक है इसके साथ में कोई भी नहीं है ये किसी सोसाइटी में नहीं है तो इसको कैसे पता चलेगा कि इसकी ग्रोथ हो रही है इसका डेवलपमेंट हो रहा है इसके लिए तो जो चीजें इसके आसपास होंगी वो सब कुछ सही होंगी अब जस्ट सपोज ये ई है और ये एक एफ पर्सन है एग्जाम में जो है या फिर किसी भी किसी भी चीज में ये पर्सन जो है पास हो जाता है ये पर्सन जो है फेल हो जाता है ठीक है तो वो पास और फेल कैसे हुए हैं कोई अगर आगे बढ़ा है तो वो आगे कैसे बढ़ा है कोई पीछे रह गया तो कैसे क्योंकि हम यहाँ पर कंपैरिजन कर पा रहे हैं दो लोगों के बीच में जैसे एफ ना हो एफ ना हो सिर्फ ई e ही रहे ये ई e पर्सन ही है तो आप कंपैरिजन कैसे करोगे ठीक है कंपैरिजन करने के लिए आपके पास में कोई और सेकंड पर्सन है ही नहीं तो इसीलिए एक सोसाइटी जो है वो आपको आपकी ग्रोथ आपकी डेवलपमेंट आपको अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करती है इसीलिए सोसाइटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अगर कोई भी पर्सन इस सोसाइटी के अगेंस्ट में जाता है तो वो सोसाइटी सोशल कंट्रोल के थ्रू उसको वापस जो है सोसाइटी के अकॉर्डिंग बना देती है इसीलिए जो ये टाइज हैं जो ये रिलेशनशिप्स हैं आपस में वो इन सारी चीजों के थ्रू हैं ठीक है और ये रिलेशनशिप्स जो हैं ये जो टाइज हैं ये अगर कोई भी इंडिविजुअल सोसाइटी के अगेंस्ट में जा रहा है या कोई भी इंडिविजुअल जो है सोसाइटी को कंफर्म नहीं कर रहा है तो वो उसे जबरदस्ती उसे एक चीज को प्रेशर बनाती है कि आपको सोसाइटी के नॉर्म्स आपको सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करना है ये इमाइल तरकीम करें तो जैसे मैंने आपसे कहा कि इमाइल तरकीम जो है वो पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सोसाइटी के ऊपर करते हैं ना कि इंडिविजुअल के ऊपर अगर कोई इंडिविजुअल जो है वो नहीं कन्फर्म कर रहा है सोसाइटी के नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशन को तो सोसाइटी उसके ऊपर प्रेशर बनाती है ये कौन कह रहे हैं ये इमाइल डरकीम कह रहे हैं क्लियर है ये सारे कॉन्सेप्ट्स का एग्जांपल मैंने आपको इसलिए दिया क्योंकि इन्हें आपने पहले पढ़ा हुआ है और इस तरह से आप उनसे कनेक्ट भी कर सकते हो कि मेल डरकीम कहना क्या चाहते हैं ठीक है देन दिस कॉन्स्टेंट द इंडिविजुअल्स बिहेवियर पैटर्न लिमिटिंग वेरिएशन विद इन स्मॉल रेंज इससे क्या होता है इंडिविजुअल के बिहेवियर के पैटर्न को हम जो है लिमिट कर देते हैं यानी कि उसका जो रेंज है उसकी जो वेरिएशन है उसको हम लिमिट कर देते हैं कि आप इतने के अंदर ही इस रूल्स इस नॉर्म्स इस सोसाइटी के अंदर ही रेगुलेट हो गए ठीक है इससे बाहर आप जो है नहीं जा सकते हो क्योंकि ये सोसाइटी के नॉर्म्स हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ चॉइस इन सोशल एक्शन मीन दैट बिहेवियर कुड नाउ बी प्रडिक्टेड एज इट फॉलोड आ पैटर्न और ये जो हम आपकी चॉइस पर आपके कंस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं ये जो हम सोशल एक्शन पर जो है कॉन्स्टेंस लगा रहे हैं आपको लिमिट कर रहे हैं ये सारी चीज़ें नाव मीन दैट की बिहेवियर जो है अब जो सोसाइटी का बिहेवियर है जो सोशल बिहेवियर है अब हम उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं अब हम बता सकते हैं जैसे मान लीजिए एक सोसाइटी है वहाँ किसी तरह का कोई नॉर्म्स नहीं है कुछ भी नहीं है सब जो है इंडिविजुअल्स अपने अकॉर्डिंग जो है पूरा वर्क कर रहे हैं तो वो एक सोसाइटी नहीं कहलाएगी ठीक है वो एक सोसाइटी नहीं कहलाएगी क्योंकि वहां पर सारी चीजें उस अकॉर्डिंग हो ही नहीं रही और अगर सारी चीजें सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलेंगी सोसाइटी के नॉर्म्स रूल्स बिहेवियर के अकॉर्डिंग चलेंगी तो हम बता पाएंगे कि ये सोसाइटी कैसी है इस सोसाइटी का बिहेवियरल पैटर्न जो है वो किस तरह का है ठीक है इस तरह से ऑब्जर्व करके बिहेवियर पैटर्न को ऑब्जर्व करके हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सोसाइटी के नॉर्म सोसाइटी के रूल्स ये सारी चीजें कैसी हैं अब जैसे मैंने आपसे यहाँ पर कहा कि जो मॉरल कोड्स होंगे वो सोसाइटी को कैरेक्टराइज करेंगे मॉरल कोड्स से इंडिविजुअल का बिहेवियर पता चलेगा इंडिविजुअल के बिहेवियर से आप बता पाओगे कि एक सोसाइटी कैसी है क्या वो एक अच्छी सोसाइटी है क्या वो एक बुरी सोसाइटी है ये सारी चीजें आप डिफाइन कर सकते हो तो इसी तरह से इंडिविजुअल के बिहेवियर पैटर्न को या सोसाइटी के बिहेवियर पैटर्न जो जो भी बिहेवियर पैटर्न है इंडिविजुअल्स का उससे आप ये बता सकते हो कि ये जो सोसाइटी है इसमें किस तरह के नॉर्म्स हैं किस तरह के कोड्स हैं और ये सोसाइटी गवर्न कैसे होती है इसीलिए सारा फोकस कहाँ है सोसाइटी के ऊपर एंड द एग्जिस्टेंस ऑफ अदरवाइज इनविजिबल थिंग्स लाइक आइडियाज नॉर्म्स वैल्यूज एंड सो ऑन

अब ये जो नॉर्म्स हैं ये हमें दिखते नहीं है पर हम उन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं हम सोसाइटी में उसी तरह से रेगुलेट होते हैं तो ये सारी चीजों को हम स्टडी कर सकते हैं इन चीज़ों को हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं और ये हमें बताएगा कि सोसाइटी का बिहेवियरल पैटर्न कैसा है ठीक है पीपल किस तरह से एक दूसरे से रिलेटेड है सोसाइटी में सोशल वॉज टू बी फाउंड इन दी कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज ऑन इंडिविजुअल बाय कलेक्टिव एग्रीमेंट अब सोसाइटी में जो सोशल है वो कैसे पता करोगे तो डरकीम ने ये कहा कि जिस कोड ऑफ कंडक्ट से इंडिविजुअल्स जो हैं वो वर्क कर रहे हैं उससे आपको पता चलेगा कि सोसाइटी के अंदर सोशल क्या है ठीक है सोशल को आप देख सकते हो उन कोड्स ऑफ कंडक्ट में जो इंडिविजुअल्स के ऊपर रखे गए हैं कलेक्टिव एग्रीमेंट के थ्रू हम सभी साथ में आए हैं हम सभी ने आपस में ये तय किया कि हमारी ये सोसाइटी है ये सोसाइटी इन कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू चलने वाली है और इन कोड इन कोड ऑफ कंडक्ट को इंडिविजुअल्स फॉलो करते हैं तो ये जो इंडिविजुअल्स कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो कर रहे हैं यही सोशल है इस सोसाइटी के अंदर ठीक है इट वॉज एविडेंट इन द प्रैक्टिस ऑफ एवरी डे लाइफ ये आप एवरी डे लाइफ की प्रैक्टिस के थ्रू भी देख सकते हो कि रोज में जो है किस तरह के सारे काम होते हैं एंड द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी दैट डरम सॉट टू डेवलप वॉज बेस्ड ऑन द रिक्शन ऑफ मॉरल फैक्ट्स और इस तरह से जो सोसाइटी को लेकर एक साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग जो डरकीम डेवलप करना चाहते थे वो इन्होंने मॉरल फैक्ट्स के थ्रू किया यानी डरकीम का पूरा फोकस था मॉरल फैक्ट्स के ऊपर ठीक है सबसे पहले तो डरकिम का फोकस था सोसाइटी सोसाइटी को उन्हें साइंटिफिकली स्टडी करना था ठीक है क्योंकि वो चाहते थे कि जो सोसाइटी हो वो मॉरल ग्राउंड्स पर बेस्ड हो एक सोसाइटी जो होनी चाहिए वो आइडियल फॉर्म होना चाहिए है ना इसके लिए सोसाइटी को साइंटिफिकली स्टडी करना पड़ेगा सारे फैक्ट्स पर सारी चीजों पर हमको ध्यान देना होगा रिसर्च करना पड़ेगा और अगर आप सोसाइटी को समझना चाहते हो तो आपको उसके बिहेवियरल पैटर्न को समझना पड़ेगा बिहेवियरल पैटर्न को समझोगे कब जब आप देखोगे कि जितने इंडिविजुअल्स हैं वो कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू ही वर्क कर रहे हैं तो सारी चीजों को अगर हम कनेक्ट करें तो कुछ इस तरह से डरकीम कह रहे हैं कि द साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी द डरिम सॉट टू डेवलप वॉज बेस्ड ऑन दी रिकोगशन ऑफ मॉरल फैक्ट्स की अगर आपको सोसाइटी के अंदर मॉरल फैक्ट्स देखने को मिलते हैं तो यानी कि एक सोसाइटी जो है वो आइडियल फॉर्म की तरफ आगे बढ़ रही है

इट मस्ट देन बी पॉसिबल टू ऑब्सर्व देम डिस्क्राइब दैम क्लासीफाई देम एंड लुक फॉर सर्टेन लॉज लॉज एक्सप्लेनिंग दैम जो मॉरल फैक्ट है उनके अंदर कुछ रूल्स ऑफ एक्शन है दोज आर रिकोगनाइजेबल बाय सर्टेन डिस्टिंगटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ठीक है हम मॉरलिटी की बात करें कि आपकी सोसाइटी के अंदर मॉरलिटी का फीचर होना चाहिए ये मॉरल फैक्ट आपको बाकी चीज़ों से अलग बनाते हैं और तभी आप एक सोसाइटी को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हो आप उसको डिस्क्राइब कर सकते हो कि ये सोसाइटी कैसी है आप उसको दूसरी सोसाइटी से क्लासिफाई कर सकते हो आप उसमें लॉज बता सकते हो हो कि इन लॉ के थ्रू ये सोसाइटी रन रही है है इसलिए इसके अंदर फैक्ट सो अल्टीमेटली यहां तक जो बेसिक आइडिया हमको इमायम का समझ में आ रहा है वो क्या एक चीज है कि सोसाइटी को स्टडी करना है सोसाइटी को स्टडी करोगे तो सोसाइटी के अंदर जितने भी फिनोमिना है उन्हें स्टडी कर पाओगे लेकिन एक सोसाइटी के अंदर मोरालिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर मोरालिटी होगी तो हमको दिखेगा कि वहाँ के इंडिविजुअल्स कैसे हैं अगर मोरालिटी है तभी वो सोसाइटी कुछ कोड ऑफ कंडक्ट के थ्रू चल रही है अगर मोरालिटी नहीं है तो शायद वो बाकी सोसाइटीज के ही जैसी है जहां पर मोरालिटी नहीं है मॉरल कोड्स वर मैनिफेस्टेशन ऑफ पर्टिकुलर सोशल कंडीशन जो मॉरल कोड्स हैं वो पर्टिकुलर सोशल कंडीशन की मैनिफेस्टेशन है अगर आप जैसे जैसे हमने बात करी कि रिलीजन को हमें सेक्युलर अंडरस्टैंडिंग के थ्रू ही समझना चाहिए तो ये हम कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब एक सोसाइटी के अंदर मॉरल कोड्स होंगे नैतिकता होगी अगर नहीं होगी तो जो मेजोरिटी ग्रुप होगी वो अपने रिलीजन को ही सुपीरियर मानेगी ठीक है तो इसीलिए मॉरल कोड जो है वो हमें पर्टिकुलर सोशल कंडीशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी

और ये जो चीजें हैं इन्होंने सोशोलॉजी को नेचुरल साइंस की ही तरह बना दिया

कर रहे थे कि मोरालिटी जो होगी तभी हम सोसाइटी को समझ पाएंगे अब जो है सोसाइटी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन हो गया ये क्या हो गया बिल्कुल लाइक एक एकदम से है ना तो इन सारी चीजों को उन्होंने अपने आगे और आइडियाज में डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप सोशियोलॉजी को नेचुरल साइंस की तरह बना सकते हो कैसे उसको आप एक रिगोरस साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाओगे इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए यहां तक जो है इमाइल डरिम ने अपने आइडियाज को बताया सो so बेसिकली जो चीजें हमने पढ़ी अभी हमने सबसे पहले इमायल की लाइफ हिस्ट्री को जाना इसके बाद में हमने इमाइल का जो बेसिक था एक तो फैक्ट के ऊपर एक उन्होंने सोसाइटी को सबसे ज्यादा सुप्रीम माना है है ठीक इंडिविजुअल से भी बढ़कर है सोसाइटी वो सोसाइटी कैसी होगी उसके अंदर क्या चीजें लाना है ये सब हमने जो है अच्छे से समझ लिया अब आगे यहीं से हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में कि, कि किस तरह से इमाइल दर्कीम जो है वो सोशोलॉजी को या

स्क्रॉल करोगे देखोगे किंडर गार्डन से लेकर ट्वेल्थ क्लास तक के सभी क्लासेस के सभी कोर्सेस के सारे वीडियोज अवेलेबल है जस्ट Just... क्लास या कोर्स आपको चूज करना है जो भी चूज करोगे यहाँ क्लास या कोर्स से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट की वीडियोस आएंगे स्क्रॉल करोगे और भी सारे सब्जेक्ट की वीडियोस देखने को मिलेंगे सभी के नीचे वॉचनाओं का बटन है आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉचनाओं पे क्लिक किया सब्जेक्ट से रिलेटेड चैप्टर वाइज वीडियो आएंगे चैप्टर पे क्लिक करोगे चैप्टर से रिलेटेड सब टॉपिक्स आ जाएंगे सभी के आगे वॉचनाओं का बटन है जो भी टॉपिक स्टडी करना है जस्ट वॉचनाओ पे क्लिक किया और ये वीडियो ओपन अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करो ये नहीं देखना है कुछ और देखना है यहाँ से कैंसिल कर दो सो so, बहुत ही इजीली आप मैग्नेट बीस की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं ये आपको 100 परसेंट फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड करती है सो so, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आज के इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में थैंक यू वेरी मच